हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी सी बड़ी की रेसिपी। तो जैसे नॉर्मल हम लोग घर में बड़ियानी बनाते हैं, उड़द दाल की बनती है और तरह तरह की लोग बड़ियाँ बनाते हैं, जैसे मूंग दाल, उड़द दाल, इस तरीके की हो गई। तो यहाँ पे आज मैं लेके आई हूँ खबहा यानी भथुआ की बहुत ही टेस्टी सी बड़ी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो है, जो खबहा था ना, उसे पूरा छील के अच्छे से वॉश करके और उसका जो है कद्दूकस उसे कर लिया है। तो देखिए कितना सारा पानी उसमें निकलता है, काफ़ी पानी रहता है। और ये ओवरनाइट सोक की हुई उड़द की दाल है। ये लगभग 1 किलो के करीब दाल थी उड़द की, और एक बड़ा सा जो है, जो भतुआ नहीं होता है, बहुत लोग जानते होंगे, आप लोग बताएगा आप लोग के साइड इसे क्या कहते हैं, जिससे पेठा वगैरह बनता है, ये उसकी बढ़िया है और वो है। तो 1 किलो, एक भतुआ में 1 किलो दाल की जो है वड़ियाँ बनेंगी। तो यहाँ पे ओवरनाइट सोक करके ये दाल रखी गई थी। तो यहाँ पे देखिए दाल अच्छे से जो है भीग चुकी है। अब यहाँ पे दाल को मिक्सी जार में पीस लिया गया, तो बहुत ना ही बहुत महीन पीसा गया है, ना ही बहुत मोटा पीसा गया है, तो हल्का सा इसे दरदरा ही रखा जाता है, और जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। तो इसमें कोई भी मसाला वगैरह नहीं जाता है, सिंपल भतुआ कद्दूकस किया हुआ और जो है नमक, बस इससे ज़्यादा जो है और कुछ भी इसमें नहीं जाता। ये सिंपल ही बहुत ही टेस्टी लगती हैं फ्रेंड्स। तो बस उन सबको जो है काफ़ी अच्छे से जो है फेंक लिया गया था, मिक्स कर लिया गया था। और बस यहाँ पे जो है मम्मी वड़ी बना रही हैं। तो वड़ी बनाने से पहले कुछ मतलब जो है किया जाता है, पूजा वगैरह कुछ होती है, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्या होता है, बट ये सुना है कि वड़ी देने से पहले थोड़ा सा इस तरीके से जो है पूजा की जाती है। हम लोगों के साइड में तो ये होता है कि पूजा इस तरीके से की जाती है, मतलब सिंदूर वगैरह लगाते हैं इस तरीके से। तो कहते हैं ना कि सात सुहागिन मिलके ये सब करती हैं, और अदरवाइज़ उसके बाद ही जो है हम वड़ी देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखे मम्मी जो है पूजा वगैरह कर ली हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है वड़ी देना शुरू की है। तो बस यहाँ पे वड़ियों का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आप रखना चाहें उस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। तो मार्केट में तो काफ़ी बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा साइज़ में जो है बड़ी रहती है, उस तरीके से मिलती है, बट घर में हम लोग जो बनाते हैं वो नॉर्मल साइज़ की ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मम्मी जो है बड़ी दे देंगी, और ये काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग होता है। अगर छोटी छोटी आप दे रहे हो तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, अगर आप थोड़ा सा बड़ी दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहता है। तो बस यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मम्मी जो है सेम इसी तरीके से इसी साइज़ की जो बड़ी है पूरी इसी पन्नी पे जो है दे देंगी। तो यहाँ पे अब देखिए ये पूरी वड़ी जो है मम्मी ने दे दी है, और बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लगी। एकदम सिंपल रेसिपी है, कुछ भी इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं था, और ये एक दिन में सूख भी जाती है, अगर धूप अच्छी है तो एक दिन में सूख भी जाती है। तो देखिए कितनी सफ़ेद सफ़ेद सी हुई हैं वड़ी। इसमें जो है धूप की मतलब मेन धूप का ही काम होता है, जितना अच्छा धूप होगा उतनी अच्छी वड़ी होंगी। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक।